जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी धर्म के नाम पर जहर घोल रही है। उन्होंने शिव डहरिया को जिताने की अपील करते हुए कहा कि यहां राम से शिव का मुकाबला होने का बयान दिया। वहीं खड़गे के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो राम को लाए हैं उसको जनता चुनकर लाएगी और अब इस बात को कांग्रेस भी पूरी तरह से मान रही है। जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत, लोग अब होशियार हो गए। जनता ने ठान लिया है भैया, जनता ने ठान लिया है। आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद भी दशकों लोगों ने प्रार्थना की, न्यायालय में प्रार्थना की, हर जगह प्रार्थना की, परंतु नहीं हो सका। कोर्ट का निर्णय आया कि वह भूमि किसकी है, परंतु उस भूमि पर भव्य राम मंदिर बने इसका निर्णय लेने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, और जिन्होंने राम को लाया है जनता उसको लाएगी। और बड़ी खबर रायपुर से, राधिका खेड़ा के ट्वीट से मची सियासी हलचल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने ये ट्वीट डाला था। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। और अपने पोस्ट में उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया कि इसका खुलासा करूंगी। और ये दरअसल जो पोस्ट राधिका खेड़ा ने डाला है इस पर अब सियासी हलचल मची हुई है। उन्होंने कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है लिखकर एक बड़ी बात लिखी कि इसका खुलासा भी करूंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि खुलासा राधिका खेड़ा क्या करती हैं। और अब खबर सिवनी से है, जहां सेल्समैन से